एम फोर ले लिए मैंने अब चलो हम रेडी है ठीक है एटेक्स ले लेता हूँ और सिक्स एक्स ले, ले लेता हूँ अब यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे ई डब्ल्यू एम से एकदम अच्छे से यहाँ पे जो है एम कर पा रहा हूँ कैरेक्टर में कोई इशू नहीं आ रहा है स्नाइपर भी जो है अच्छे से वर्क कर रही है आपकी एंड यहाँ पे आप देखोगे तो सब कुछ जो है मेरा अच्छे से वर्क कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के और बहुत अच्छे से गेम चल रहा है बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में ठीक है हेलो गाइस वेलकम है आप सभी लोगों का आज के एक न्यू वीडियो के अंदर और आज के स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने पीसी के अंदर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को यानी बी जी एम आई मोबाइल को मोबाइल इंडिया को किस तरीके से अपने पी सी के अंदर डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के बिना किसी इशू के और बिना किसी लैग के और बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि आज के दिन ही हमारी जो बी जी एम आई है वो प्ले स्टोर पर आ चुकी है सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो चुकी है इससे पहले भी जो है अर्ली एक्सेस में थी गेम और गेम चल रहा था लेकिन पी सी में बहुत इश्यूज़ आ रहे थे और मैं आपको बता दूँ आप सोच रहे हो गेम लूप के अंदर चल जाएगा तो गेम लूप के अंदर अभी ये गेम सपोर्ट नहीं है एंड आई थिंक इन फ्यूचर भी सपोर्ट नहीं होने वाला ठीक है क्योंकि गेम लूप है बाहर का एक एम्यूलेटर है आपको पता होगा ठीक है अन वेड एम्यूलेटर है मतलब इस गेम के लिए और बेसिकली आपको आपको आप, लगे आपको पता होगा कि एरिया रिस्ट्रिक्ट का आपको जो है इशू देखने मिल रहा है ठीक है गेम लूप के अंदर और वो क्यों देखने मिल रहा है और इसका जो सोल्यूशन है बेसिकली मैं ढूंढने के लिए इसकी साइड पर गया और वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया के बाहर वाले प्लेयर्स हैं वो इस गेम को नहीं खेल सकते और कुछ ऐसे अनवॉन्टेड एम्यूलेटर्स भी हैं जो कि इंडिया के एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं करते इंडिया के नहीं कुछ और भी एप्लीकेशन भी आप चलाओगे ना तो बेसिकली वो वर्क नहीं करते गेम लूप की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है तो वहाँ पे आपको ये गेम जो है में भी डिसएडवांटेज दे सकता है क्योंकि आपका गेम जो है ये जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है ये ओनली इंडिया के लिए सपोर्टेड है अभी ठीक है और गेम लूप अभी इंडिया का नहीं आपको पता है गेम लूप को जो है डाउनलोड करने के लिए भी वी कनेक्ट करना पड़ता है इंडिया के प्लेयर्स को तो ये इशू है इस वजह से ये गेम जो है कभी भी गेम लूप के लिए मुझे नहीं लगता कि होने वाली अवेलेबल इस गेम के लिए या तो कोई ऑफिशियल क्राफ्टन का जो एमुलेटर है वो हो सकता है लॉन्च में बी बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट ट्रिक जिससे आप अपने एमुलेटर के अंदर लाइक इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो उस एमुलेटर का नाम होगा ब्लू स्टेक्स फाइव और ब्ल्यू स्टेक फाइव को बहुत सारे लोग डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं और गेम भी खेल रहे हैं बट बट बहुत सारा इश्यूज आपको देखने मिल जा रहा है क्योंकि आपको पता है बेसिकली मैं बता दूं कि ये जो ब्लू स्टेक्स है ये अपने इंडिया के लाइक पबजी इंडिया के बीजेम को सपोर्ट कर रहा है अच्छे से और बिना किसी प्रॉब्लम के ठीक है तो अब और और बहुत सारे ऐसे सा इश्यूज है जो आपको ब्लू स्टेक्स में आ रहे हैं तो उन सभी को जो है किस तरीके से आप फिक्स कर सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है इस वीडियो को पूरा देखते रहिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो जो बेसिकली भी सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे कि हमारा गेम जो है कैसे वर्क कर सकता है पबजी मोबाइल जो लेटेस्ट बी है वो हम पी सी में खेलना चाहते हैं बिना किसी इशू के तो आप इस तरीके से जो है खेल सकते हो सभी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर होने वाली है वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो थोड़ा सा पंद्रह बीस मिनट मिनट निकाल के इस वीडियो को दे दीजिए और इस वीडियो को कंटिन्यू देखी क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए जो भी एम्यूलेटर के अंदर इस गेम को खेलना चाहते हैं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा लेट्स गो टू दुटोरियल मैं पूरा टोटोरियल आपको दिखाता हूँ सभी सेटिंग सभी सेंसिटिविटी सब कुछ आपको यहाँ पे जो है कॉपी कर लेना है वरना जो है आपको इश्यू आएगा ठीक है तो पूरी वीडियो आप कंटिन्यू देखते दीजिए एंड लेट्स गो टू द इंस्टॉलेशन So guys, सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जाना है ब्लू फाइल डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है ब्लू स्टेक्स फाइव वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है एमूनेटर ऑल्सो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ ठीक है एम्यूटर को ओपन करता हूँ यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे थीम आई हुई है आ, प्ले ओनली ऑन द ठीक है और ब्लू स्टेस फाइव बेसिकली ब्लू स्टेक्स फाइव पे ही है और बहुत अच्छे से गेम आपका चलने वाला है पूरा ऑप्टेमाइज गेम आपको देखने मिलने वाला है ठीक है एंड यहाँ पे आपका ब्लू स्टेक ओपन हो जाता है फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको साइनअप करना पड़ेगा आपको यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है यहाँ पे आपको साइनअप का ऑप्शन आएगा साइनअप करना है अपनी आई डी लॉग इन करनी है फिर आपका जो प्ले स्टोर है जैसे चल जाएगा उसी वक्त उसी वक्त आपको सर्च में जाके पे सर्च कर देना BGMI. BGMI मैंने सर्च कर दिया एज यू कैन सी मेरा बीजेएमआई यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है ठीक है आपको इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा तो कर देना ठीक है इंस्टॉल करने के बाद में यहां पे मैंने तो इंस्टॉल कर रखा है इसको और मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे देखो कि बैटल ग्राउंड से इंडिया पे लिखा रहा है और अब अप, अपन कुछ ए पी के पूरी मिल चुके हैं यहाँ पे ठीक है सो यहाँ पे मैं गेम ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एकदम अच्छी क्वालिटी में आपका जो गेम है यहाँ पे ओपन हो रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी इशू नहीं आ रहा है पूरा पहले गेम ओपन होने देता हूँ आपके सामने फिर मैं आप, आपको जो है सभी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ यहाँ पे अपना बैटल ग्राउंड मोबाइल हो चुका है ओपन यस बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ठीक है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वर्जन यहाँ पे आ रहा है एकदम लेटेस्ट वर्जन है और यहाँ पे अपना गेम जो है ओपन हो चुका है बहुत ही जल्दी से लोडिंग यहाँ पे हो रहा है जल्दी से हो जा ठीक है एंड यहाँ पे वेट करते हैं मैं स्किप नहीं करूँगा कुछ भी पार्ट हैज़ यू कैन सी यहाँ पे अपना गेम ओपन हो चुका है और मैं भी ट्रेनिंग मोड में था ये मुझे इशू दिखा रहा है ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा गेम ओपन हो चुका है एंड यहाँ पे आप जाके सबसे पहले तो रिसोर्स पैक डाउनलोड कर लेना सब कुछ जो मेन रिसोर्स पैक होते हैं यहाँ पे तो मैंने डाउनलोड करे हुए ऑलमोस्ट और यहाँ पे सभी चीज़ें जो मैं डाउनलोड कर लूँगा इन फ्यूचर बाय द वे अपन को मेन जो फोकस देना है वो अपने को गेम की क्लियरिटी पर देना है गेम के गेम के फंक्शन पर देना है ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे गेम तो चालू हो गया है अब आपको करना है क्या है अब आपको जाना है ट्रेनिंग मोड में सबसे पहले आपको ट्रेनिंग मोड में जाकर दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या इशू आते हैं उस सब के बारे में आपको दिखा देता हूँ ठीक है ट्रेनिंग मोड में सब कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा ठीक है so, सो सबसे पहले ट्रेनिंग मोड में चल जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं ट्रेनिंग मोड में तो आ चुका हूँ अब यहाँ पे सबसे पहले मैं जो है अपनी फेवरेट गन यहाँ पे जो है ले लेता हूँ ठीक ले है एम फोर ले लिए मैंने अब चलो हम रेडी है एंड यहाँ पे अब यहाँ पे आके मैं आपको स्कोप भी लेके दिखा देता हूँ ठीक है एट एक्स ले लेता हूँ और सिक्स एक्स ले, ले लेता हूँ और रेड रोड ले, ले लेता हूँ ठीक है काफ़ी है ठीक है एंड अब यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे ई डब्ल्यू एम से एकदम अच्छे से यहाँ पे जो है एम कर पा रहा हूँ अपने लाइक like, सामने बोर्ड पे आप देखोगे तो सिक्स एक्स से मैं आपको स्प्रे भी करके दिखाऊंगा अभी ये देखो सिक्स एक्स को मैंने थ्री एक्स में कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे कोई भी ग्रिप नहीं है मेरे पास और अब मेरा सिक्स एक्स का स्प्रे देखना अब ये देखो देख रहे हो देखो भाई कोई भी इशू यहाँ पे नहीं आ रहा कैरेक्टर में कोई इशू नहीं आ रहा स्नाइपर भी जो है अच्छे से वर्क कर रही है आपकी एंड यहाँ पे आप देखोगे तो सब कुछ जो है मेरा अच्छे से वर्क कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के और बहुत अच्छे से गेम चल रहा है बहुत मजा आ रहा है खेलने में ठीक है तो अब यहाँ पे मैं आपको अपनी एम्यूल्टी की सेटिंग शो कर देता हूँ यहाँ पे मैं मेन्यू पे ऊपर जाता हूँ सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ एंड अब यहाँ पे आपको पी पी यू एलोकेशन में यहाँ पे आप देखोगे तो आ, मैंने यहाँ पे कस्टम में अपनी कोर सिक्स करा हुआ ठीक है मेरा आ, मेरा जो सी पी यू है वो सिक्स कोर का है और मैंने सिक्स कोर यहाँ पे कर रखा है क्योंकि मुझे ब्लू स्टिक्स को पूरा परफॉर्मेंस देनी है तो अच्छे से बिना किसी लैग के यहाँ पे मैंने सिक्स कर रखा है ठीक है अगर आपका सिक्स नहीं है आप तो आप फोर कर सकते हो फोर और सिक्स में इतना कोई डिफरेंस लाइक इतना इशू नहीं आएगा आपका लैग का ठीक है तो अगर आपका फोर है तो फोर कर सकते हो ठीक है इससे नीचे जाओगे तो आपका लैक करेगा गेम ठीक है फोर तक करने देना ठीक है अब यहाँ पे मेमोरी में आपको आपको यहाँ पे चार जी बी रखना है ठीक है चार जी बी से नीचे तो जाना ही नहीं है ठीक है चार जी बी से नीचे जाना ही नहीं है चार जी बी ही रखना है क्योंकि गेम बहुत ज़्यादा हाई है आपको पता है उसके लिए आपको रैम चार जी बी देनी है हालाँकि मेरे पीछे में सोलह जी बी रैम है बट फिर भी मैं यहाँ पर चार जी बी रख रह रहा हूँ क्योंकि ब्लू स्टिक्स में आप चार जी बी से ज़्यादा रैम नहीं दे सकते कस्टम में भी आप चार जी बी से ज़्यादा नहीं दे सकते ठीक है यहाँ पर मैं आपको देखे हुए दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे आठ जी दे दिया लेकिन आठ जी बी यहाँ पे दे नहीं पा रहा है यहाँ पे दिखा रहा है कि सपोर्ट रेम रेंज जो है वो ओनली चार जी ही तक ही है ठीक है तो मैं चार जी ही देता हूँ यहाँ पे ठीक है देन यहाँ पे आता है आपका फ्रेम रेट ठीक है फ्रेम रेट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेम रेट आपको यहाँ पे अनेबल देखो यहाँ पे आपका ऐसा होगा ठीक है आपको अनेबल हाई फ्रेम रेट पे करना है ठीक है यहाँ पे आपका जो एफ पी एस होंगे एफ पी एस रेट को यहाँ पे आपको वन ट्वेंटी कर देना ठीक है गेम वन ट्वेंटी एफ पी एस तक मैक्सिमम सपोर्ट करता है लेकिन आपका ये गेम तो यार मतलब ब्लू स्टेक में तो अभी इतना सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ब्लू स्टेक में तो अभी नाइनटी एफ पी एस में भी आ, नहीं आया ठीक है मे बी इन फ्यूचर आपका आ सकता है इन फ्यूचर आपका टेन एटीपी रेजोल्यूशन भी अच्छे से यहाँ पे एड हो सकता है हालांकि इतनी चीज़ें अभी एड नहीं हुई है इन फ्यूचर हो सकती है ठीक है एंड यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो फ्रेम रेट मैंने वन ट्वेंटी कर दी है इससे क्या होगा कि आपकी कि जो गेम है वो लैग नहीं करेगी ठीक है Uh, जितना मैक्सिमम एफपीएस दे सकती है उतना देगी ठीक है डिस्प्ले में आ जाता है डिस्प्ले में आ जाने के बाद में यहाँ पे आप 1080p मत करना 1600 हंड्रेड इंटू ही करना ठीक है क्योंकि ब्लू स्टिक्स की तरफ से भी ये रिकमेंडेड किया गया है और मैं भी ये रिकमेंड रिकमेंड uh, करता हूँ और एक बात यहाँ पे आपको जो गेम है बिल्कुल लैग नहीं होने वाला ठीक है यहाँ से अगर आप इससे ऊपर जाओगे तो आपका गेम लैग करेगा ठीक है फिर आप मुझे कमेंट में बोलोगे लैग कर रहा है तो आपको यही रहने देना ठीक है और आपको पिक्सल डेंसिटी में आपको यहाँ पे एकदम लो करना ठीक है वन सिक्सटी डी पी आए ठीक है वन सिक्सटी डी पी है इससे ऊपर जाओगे तो गेम आपका लैग करेगा और कंट्रोल भी अच्छे से वर्क नहीं करेंगे और बहुत इश्यू होगा ठीक है तो यहाँ पे वन सिक्सटी करने देना आपकी क्वालिटी भी अच्छी आएगी और कोई भी लैग नहीं होगा ठीक है माउस कर्सर स्टाइल में आप कुछ भी रख सकते हो बेसिकली मैं यहाँ पे ब्लू स्टिक्स का रखता हूँ लाइक अच्छी परफॉर्मेंस देता है परफॉर्मेंस तो नहीं परफॉर्मेंस कोई इफेक्ट नहीं करेगा सॉरी बट हाँ आपका लुक अच्छा दे देगा आपका माउस का जो है यहाँ पे कर्सर चेंज हो जाएगा तो लुक अच्छा देगा ग्राफिक्स में यहां पे आप देखोगे तो मैंने परफॉर्मेंस कर रखा है ओब्वियसली परफॉर्मेंस ही करो कॉज यही बेस्ट है ठीक है इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस मोड है ठीक है तो ये अभी के लिए आप ये करो ठीक है ग्राफिक्स के में यहां पे ओपन चीएल ठीक है ओपन चीएल ही रखना है ट्रायल टेक्स पे नहीं जाना ठीक है वरना आपका गेम क्रैश हो जाएगा अब यहाँ पे इंटरफेस एंडर इनको सबको ऑटो नहीं देना है कुछ नहीं करना है प्रीफे डेडिकेटेड जीपीयू को यहाँ पे अनेबल रखना है ठीक है जीपीयू आपके पास होना चाहिए प्रिफरेंस में यहाँ पे आपको जो है प्लेटफॉर्म में आपको जो है यहाँ पे दिख रहा होगा अलाउड ब्लू स्टेक्स टू कनेक्ट विथ डिस्कॉट ठीक है इसको यहाँ पे ये अनेबल होगा इसे डिसेबल कर देना ठीक है यहाँ पे आपका ये ज़्यादा जो है मे बी आपका रैम ज़्यादा लेता है सी यू इसे ज़्यादा लेता है डिवाइस यूजेज में सॉरी डिवाइस सेटिंग में यहाँ पे डिवाइस की जो प्रोफाइल है वो रखी है यहाँ पे वन प्लस ठीक है वन प्लस से मैं हायर गया था बट मुझे वहां पे इशू देखने मिल रहा है ठीक है आसूस में गया था बट इशू देखने मिले थे तो आप वन, वन प्लस करो आपका कर गेम अच्छे से चलेगा एकदम बिना किसी प्रॉब्लम के मक्खन की तरह और फिर यहां पे और कुछ नहीं करना ठीक है हो गया आपको मैंने अपनी ब्लू स्टिक्स की जो सेटिंग यहाँ पे प्रॉपरली बता दी है आपको ब्लू स्टिक्स की सेटिंग यही रखनी है ठीक है इससे आपका गेम जो है लैग नहीं करेगा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आप की की मैपिंग ठीक है की मैपिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो अब जैसे कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है कंट्रोल पर ये गेम कंट्रोल पर ठीक है यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको हैज़ यू कैन सी माउस सेंसिटिविटी आपको दिख रही है माउस सेंसिटिविटी आपको एज इज इसी तरीके की कॉपी कर देनी है और कॉपी करके अपने एम्यूलेटर के अंदर पेस्ट कर देनी है ठीक है यानी कि यहाँ से देख करके आप अपने एम्यूलेटर के अंदर भी यही जो है सेंसिटिविटी है वो सेट कर देना वरना आपको कैमरे में बहुत इशू आ जाएगा कैमरा इशू बहुत इंपॉर्टेंट uh, है इसके अंदर बेसिकली कैमरा इशू बहुत लोगों को आता है तो मैं पहले बता कि यहां पे आप इनको कॉपी करके जो है अपने ब्लू स्टिक्स में डाल देना ठीक है फिर यहां पे आपको क्या करना है पे पे मैं ओपन एडवांस एडिटर में आपको जाकर दिखाता जो जो है मेरे जो सारे कंट्रोल से ऑटोमेटिकली सेट हुए हुए गाइस ठीक है जी हाँ, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिकली सेट हो रखे कुछ नहीं किया मैंने सब कुछ ठीक है उसके लिए आपको क्या करना है आपका मे बी टेन ए टीपी होगा या फिर कुछ और होगा टू के सेवन टीपी ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे स्मार्ट पे क्लिक कर देना ठीक है स्मार्ट ओके okay. स्मार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो सभी चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट है सब चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट है कोई भी इशू यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलने वाला ठीक है सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल्स आपके एकदम सेट है बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे आपके जो कंट्रोल्स है वो एकदम अच्छे से वर्क कर रहे हैं ठीक है कोई इशू यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा ठीक है यहाँ पे आप देखोगे तो ये सब चीज़ें एकदम सही एकदम अच्छे से रहने तो सब कुछ डिफॉल्ट ठीक है यहाँ पे मैं रिसट करके दिखाता हूँ आपको सब कुछ रीसेट है मेरा कुछ इशू नहीं है ठीक है अब यहाँ पे बेसिकली यही है स्मार्ट ही रखना इसको स्मार्ट के अलावा और कुछ मत रखना वन आपका गेम इशू देगा ठीक है मैं आप इसको क्रॉस करता हूँ अब यहाँ पर आप देखोगे तो मेरा सब कुछ वर्क कर रहा है सब कुछ गन निकल रही है और नंबर टू से मेरी एम आ रही है नंबर वन से ए आ रही है सेट से मैं प्रोन हो रहा हूँ और सी से मैं क्राउच हो रहा हूँ और यहाँ से जंप हो रहा हूँ स्पेस से एंड यहाँ पर टैप से मेरा गेम लाइक जो पेग है वो ओपन हो रहा है और यहाँ पे मेरे पिक ओपन हो रहे हैं की और ही से और वॉइस चैट भी मेरी अच्छे से काम कर रही है ठीक है और इसके अलावा बेसिकली सब कुछ जो है अच्छे से सेट हो चुके हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अपना इन गेम सेटिंग ठीक है अब आती है बारी इन गेम सेटिंग ठीक है ये सब कुछ हो चुका है आपका एम्यूलेटर का ठीक है एम्यूलेटर का जो भी काम था आपका हो चुका है ठीक है एम्यूलेटर में आपको इतना ही करना है अब जो बारी आती है वो आती है इन गेम ठीक है अब इन गेम में आपको क्या करना है इन गेम में आपको ये करना है कि आपको पहले सेटिंग्स ओपन करनी है सेटिंग्स ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको ये सेटअप कर लेना है ठीक है पीक एंड फायर को एनेबल कर देना है आई होप आपने कर दिया होगा ये सब चीज़ें ठीक है ये बेसिक होती है अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर लेना ठीक है ग्राफिक्स में आपको यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम करना ठीक है अगर आप मेरी तरह एक कॉम्पिटेटिव प्लेयर हो एक इंटेंस गेम प्ले खेलना चाहते हो तो आप यही करना वरना अगर आपको अच्छे ग्राफिक्स चाहिए तो आप एच प्लस अल्ट्रा पे जाओ तो आपको, आपके जो गेम के ग्राफिक्स है बहुत अच्छे दिखेंगे लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं आपको इशू आएगा इशू ये होगा बेसिकली कि आपका जो गेम है कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं जाके लैग होगा और एफ भी ओब्वियसली कम देगा तो इतना मजा नहीं आएगा गेम खेलने में लेकिन हाँ क्लियरिटी बढ़ा देगा लाइक इतना स्मूथ चलेगा ना आपका गेम तो कोई इशू नहीं आएगा ठीक है यही चीज है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इन गेम में तो बेसिकली यही सेटिंग्स से, है तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे खेलो ठीक है मेरी तरह आपका गेम एकदम स्मूथ चलेगा ठीक है अब यहाँ पे कंट्रोल्स में आपको जाना है यहाँ पे कस्टमाइज में मैं एकदम डिफॉल्ट सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल रीसेट मैंने कर दिया आपके सामने बस यहाँ पे मैंने इसकी जो जो स्टिक्स की जो ट्रांसपेरेंसी uh, है इसको मैंने कम कर दिया ठीक है ये स्क्रीन पे शो होता है तो बड़ा अजीब सा लगता है ठीक है तो इसको मैंने पूरा ऑफ कर दिया है बाकी इसको ही ट्रांसपेरेंसी कम करना और किसी की ट्रांसपेरेंसी कम मत करना वरना आपका गेम में इशू हो जाएगा ठीक है लेकर आपको गेम अच्छे से चलेगा नहीं ठीक है बस इसी को कम कर देना और मैंने इसको पूरा ही डाउन कर दिया ताकि गेम मेरा अच्छे से चले ठीक है अब यहाँ पे मैं एग्जिट होता हूँ बस कंट्रोल में इतना ही करना है व्हीकल्स में यहाँ पे कुछ नहीं करना है ठीक है सेंसिटिविटी में अब सेंसिटिविटी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी के अंदर आपको क्या करना है आपको ये वाली सेंसिटिविटी कॉपी करनी है एज इज ठीक है आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो लेकिन लेकिन अगर ये कॉपी करोगे तो आपके गेम में कोई भी कैमरा इश्यू नहीं होने वाला है और आपका गेम भी अच्छे से चलने वाला है हालांकि आप इसमें कुछ अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो ठीक है एडिट वगैरह कर सकते हो ऊपर नीचे कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको देखना क्या करना है ठीक है कैमरा के अंदर आपको थर्ड पर्सन नोट स्कोप में आपको इतना सेंसिटिविटी रखना नाइन्टी वन का ठीक है यहां पे नाइन टू का एंड यहां पे आपको मेन जो चीज है यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रेड डॉट का टू एक्स का थ्री एक्स का और सिक्स एक्स का एट एक्स का सब कुछ फोर एक्स का मैंने सब कुछ सेट किया हुआ है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो आपकी गेम में कोई इशू नहीं आएगा ठीक है टी पी पी एम और एफ पी पी एम यहाँ से कॉपी करना ठीक है ये आपकी गेम में बेसिकली सभी चीज़ें जो है फिक्स कर देगा कैमरे की ये सेंसिटिविटी ठीक है एंड uh... अब यहाँ पे आपको ए डी एस सेटिंग्स भी आपको यही रखनी है जो आपको ऑन स्क्रीन दिख रही है ठीक है टी पी पी एम भी आपको यही रखना है एफ पी पी एम भी आपको यही रखना है सब सेंसिटिविटी यहाँ पे आप देख लो मेरी जायरो का कुछ मत करना जायरो का कुछ लेना देना नहीं है आपको मेनली ए डी एस सेंसटिविटी पर फोकस देना है और आपको कैमरा सेंसिटिविटी पर फोकस देना है ठीक है और आपको कुछ नहीं करना है बाकी सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली सेट रहने देना है ठीक है फिर यहाँ पर पिकअप है ये तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो ठीक है बाकी सब स्कोप वगैरह है क्विक इसको इसको अनेबल कर दो ठीक है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर्स सेट कर लो मैंने तो ऑलरेडी कर रखे है बस और कुछ नहीं करना है यहाँ पे हो क्या है आपका इन गेम सेटिंग्स ठीक है इन गेम यहाँ पे आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया लाइक कहने का मतलब ये सब कुछ डिफॉल्ट रखना ठीक है यहाँ पे आप देखोगे मेरा गेम एकदम अच्छे से ओपन है कोई इशू यहाँ पे नहीं आ रहा ठीक है अब बेसिकली मैं आपको जो है गाड़ी के पास जाके दिखाता हूँ व्हीकल्स के पास जाकर दिखाता हूँ एंड व्हीकल्स में जाने के बाद देखते हैं क्या क्या इश्यूज आते हैं व्हीकल में ठीक है यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा एफ पी पी भी हो चुका है अच्छे से वी से बिल्कुल गेम लुक के लाइक कंट्रोल से यहाँ पे एफ पी पी एकदम अच्छे से हो रहा है सब कुछ हो रहा है गाज ठीक है अब यहाँ पे बेसिकली मैं आपको ये वाली इस गाड़ी में बैठ के दिखाता हूँ ठीक है टासिया में एंड टासिया यह में यहाँ पे बैठने के बाद देखो तो स्पीड बूस्ट मेरा वर्क कर रहा है शिफ्ट से ठीक है पीछे हो रही है गाड़ी एकदम लाइक आप देखोगे तो आ, पीछे भी हो पा रही है ठीक है एकदम देखो एकदम पीछे से पीछे भी हो रही है आगे कर रहा हूँ आगे भी मूव हो रही है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है ब्रेक भी अच्छे से वर्क कर रहा है और आप ब्रेक भी ओपन कर पा रहे हो अपना ठीक है थीके? कोई इशू नहीं आ रहा है अच्छी से आपका गेम जो है चल रहा है और बिना किसी प्रॉब्लम के आपका गेम यहाँ पे चल रहा है ठीक है यहाँ पे एग्जिट का बटन भी देखोगे एकदम अच्छे से वर्क कर रहा है कोई इशू नहीं आ रहा है सब कुछ गाड़ी वगैरह आपका सब एकदम अच्छे से चल रहा है कैमरा वगैरह कोच इशू नहीं है सो गाइज यहाँ पे आप देखोगे तो कोई भी इशू यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला है आपका जो गेम है इस तरीके से चल सकता है ठीक है और भी कोई इशू आता है तो आप मुझे कर कर सकते हो कमेंट मैं वीडियो बना दूंगा हालांकि ये सभी चीज़ें आप मेरी कॉपी कर सकते हो इससे आपका जो गेम है कोई भी इशू नहीं देगा ठीक है माउस सेंसिटिविटी को आप कॉपी कर लेना हैज़ इट इज ठीक है सो गाइस बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी है बेसिक से लेके एडवांस तक सभी चीज़ें जो मुझे बतानी चाहिए थी मैंने सब कुछ बता दी है इस वीडियो के अंदर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पे लाइक ज़रूर करना और कमेंट दे अपना रिस्पॉन्स ज़रूर देना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंटेंट के ऊपर चाहिए लाइक like आपको लाइक like चाहिए कि मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ और लैग uh, फिक्स like के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं दे दूंगा और अब अगर आप बोलते हो नेक्स्ट वीडियो इस कंटेंट के ऊपर बनानी तो मैं आपको बनाऊंगा उसके ऊपर ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई हो आप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी सो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तब जरूर आना तब तक लिए बाय